हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। चलिए देखते हैं, इसमें इस एक्सरसाइज में हमें m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, हम इसको ऐसे भी m डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इस एक्सरसाइज में हमेशा इसी प्रकार दिया रहेगा। इसी प्रकार हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, क्योंकि यहां पर देखिए इसकी हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यहां पर देखिए इसका ऑर्डर भी वन है और डिग्री भी वन है। ठीक, और यहाँ पर एक चीज ध्यान दी, यहाँ ये जो m है और m n, इस या तो कोई कांस्टेंट होगा या तो कोई फंक्शन होगा। जो ये m n है, या तो x dx का कोई फंक्शन होगा या तो कोई कांस्टेंट होगा। ठीक, चलिए देखते हैं इसके आगे। यहां अब हमारा आता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें हमें कोई फंक्शन दिया है f1 x dx इक्वल टू एफ टू वाई डी वाई, इस ये हमारा कोई इक्वेशन दिया रहेगा। इसको हमें वेरिएबल सेपरेट करना है, इसका नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल को सेपरेट करना। इसके नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल को सेपरेट करना। यहाँ पर देखिए dx के वाले फंक्शन जितने हैं एक साथ हैं, y वाले dy वाले फंक्शन एक साथ हैं। अगर इसमें तो मान लीजिए दिया है, अगर इक्वेशन में न दिया रहेगा तो dx वाले फंक्शन जितने होंगे एक साथ रखना है और dy वाले फंक्शन जितने होंगे उसको एक साथ रखना है। जब इतना प्रोसेस हो जाएगा तो इसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम इसको इंटीग्रेट एफ वन एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ टू वाई डी वाई जब इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो लास्ट में कांस्टेंट हम सी जोड़ेंगे। कांस्टेंट यही हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है। यह जरूरी नहीं है कि हम सी ही जोड़ें, ये सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पर अगर पूरा फंक्शन लॉग के टर्म में रहेगा, लॉग अर्थी में रहेगा, तो हम इसको लॉग सी जोड़ देंगे। अगर इनवर्स में रहेगा तो हम इसको टेन इनवर्स के रूप में जोड़ देंगे। मतलब ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम सी भी जोड़ देंगे तब भी आंसर आपको गलत नहीं माना जाएगा, केवल बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा और नियम प्रोसेस आपको सही होना चाहिए, बस हो गया। चलिए ठीक है, आइए हम क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल बुक में आपको तीन नंबर दिया है, इसको सॉल्व करना है। वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारा वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए एक्स और वाई है, डी वाई है, और यहां पर वाई डी एक्स है। इसका मतलब हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। जो वाई वाले टर्म है एक तरफ होने चाहिए, जो एक्स वाले टर्म है एक तरफ होने चाहिए। यहां पर देखिए डी वाई है तो हम डी वाई वाले एक तरफ कर लेते हैं, वन अपान इस तरफ आएगा तो वन प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और डी वाई है इक्वल टू ये इस तरफ आएगा तो वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स है, ये हो गया। अब इसको करने के बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट
बोथ साइड वी गेट। अब यहां पर देखिए इंटीग्रेशन वन अपान वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिएगा जब हमारा वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा तभी हमको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर देखिए जो y वाले टर्म्स है उसको एक तरफ कर लिए हैं और जो x वाले टर्म है उसको एक तरफ कर लिए हैं, तब इतना प्रोसेस करने के बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए अब आप इंटर में पढ़ेंगे ये फार्मूला होता है, ये होता है tan इनवर्स y इक्वल टू ये होता है tan इनवर्स x। अब मैं यहाँ आप लोगों को बताया हूँ कांस्टेंट को अपनी जरूरत के हिसाब से जोड़ेंगे, ये जरूरी नहीं है किसी ही जोड़ेंगे। यहाँ पर tan के tan इनवर्स के रूप में है सभी, तो हम यहाँ पर tan इनवर्स c कर देंगे, ये कांस्टेंट c जोड़ दिए। अब इसको इस साइड लाते हैं tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स c। अब आप लोग ये फार्मूला जानते होंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपान वन प्लस x इंटू y, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के से तोड़ इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स x हमारा y दिया है तो y माइनस एक्स का y के स्थान पे x दिया तो x हो जाएगा अपान वन प्लस x इंटू वाई इजक्वल टू टेन इनवर्स c, ये हट जाएगा तो हमारा हो जाएगा y माइनस x अपान वन प्लस x इंटू वाई इजक्वल टू c हो जाएगा। अब देखिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसका y माइनस x इक्वल टू इसका इसमें c ब्रैकेट में वन प्लस x इंटू वाई, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, दिया है एग्जांपल नंबर फोर वन प्लस e की पावर x इंटू वाई डी वाई इक्वल टू वाई प्लस वन e की पावर x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए हमारा वेरिएबल सेपरेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर x है y है यहाँ पर भी x है और ये y है, तो ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, इसको हमें वेरिएबल सेपरेट करना है। तो जो डी वाई वाले टर्म है उसको एक साथ रखते हैं और जो एक्स वाले टर्म है उसको एक तरफ रखते हैं। चलिए देखते हैं वाई हो गया डी वाई, अब जो ए वाई है हम इसको इस तरफ ले आते हैं वाई प्लस वन हो जाएगा इक्वल टू ई की पावर एक्स है तो हम इसको इस नीचे जाएगा ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। जब इतना हो जाएगा जब हमारा वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा तब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। ध्यान से देखिएगा इंटीग्रेशन वाई अपान वाई प्लस वन इंटू डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x अपान वन प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स। अब देखिए हम y को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन y प्लस वन एक इसमें ऐड कर देते हैं एक वन सब्सक्राइब कर देते हैं अपान वन प्लस y प्लस वन इंटू डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x अपान वन प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा वाई आ जाएगा, अर्थात इस वैल्यू पर हमें कोई मतलब यहाँ पर इस वैल्यू पर हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतना ही आएगा जब ये कैंसिल हो जाएगा तो वाई अपान वन प्लस वाई आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व, अब इसको हम इसको इसके बटे में लिख देते हैं और फिर पुनः इसको इसके बटे में दोनों को
अलग अलग लिखते हैं, y प्लस वन अपान y प्लस वन, इसको अलग भी कर देते हैं प्लस, अब इसके बटे में लिखते हैं वन अपान y प्लस वन, ये पूरे का dy वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x अपान वन प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स। अब ध्यान दीजिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, अब इसका y के मल्टीप्लाई करते हैं तो वन इंटू यहाँ वन बचा dy वाई प्लस इंटीग्रेशन वन अपान y प्लस वन इंटू डी वाई इंटीग्रेशन e की पावर x अपान वन प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स। अब देखिए ये फार्मूला होता है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन इंटू डी वाई, फिर क्या होगा इंटीग्रेशन y होगा प्लस, ये तो फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला होता है वन अपान x इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x, और ये हो जाएगा y प्लस वन, नहीं तो ऐसे इसको देखिए, इसको अगर हम लेट कर लेंगे तो y प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो वन आ जाएगा, तो हमें यही मिलेगा, तो वन अपान ये हो जाएगा, जैसे लेट किए हैं t होगा तो वन अपान t रहेगा तो लॉग में चला जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए अगर हम इसको लेट करते हैं तो ये ऊपर वाला मिल जाएगा, देख लेते हैं वन प्लस ई की पावर एक्स को हम टी मानते हैं तो एक्स के सापेक्ष में डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ई की पावर एक्स इन टू डी एक्स हो गया इसक्वल टू डी टी, तो हमें ऊपर वाला मिल गया ना, तब ये तो हो जाएगा लाग वाला फार्मूला हो जाएगा, वन अपान टी होगा तो लाग में हो जाएगा, तो ये लॉग वन प्लस ई की पावर एक्स। तो हम इसके आगे सॉल्व करते हैं, इतना हो गया। अब हमको यहाँ सोचना होगा कि हम यहाँ पर भी आंसर जोड़ सकते हैं, यहाँ कांस्टेंसी जोड़कर, लेकिन और आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर वो भी आंसर आपका सही माना जाएगा, यहाँ पर प्लस लॉग सी। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस है हमारा, ये इतना इसके अपान में कर दिए हैं और यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर माइनस होगा, ये हमारा माइनस है, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, ये हो गया इतना, तो ये हो जाएगा, इसको हम उस साइड भेजते हैं तो y इक्वल टू लॉग वन प्लस e की पावर x प्लस लॉग c, इस साइड में आ जाएगा लॉग y प्लस। अब लॉग वाले फार्मूले हम क्या फार्मूला जानते हैं, लॉग m इंटू n का फार्मूला क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n होता है, इसी फार्मूले से सॉल्व कर देते हैं तो लॉग हो गया, सभी को इंटू कर देते हैं c y प्लस वन वन प्लस e की पावर x, ये हमारा ये हो गया। अब हम लॉग की इस साइड में आते हैं तो e की पावर में चला जाएगा, e की पावर y इक्वल टू सी ब्रैकेट में y प्लस वन वन प्लस e की पावर x, हमारा ये आंसर हो गया। चलिए हम यहां पर भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। दिया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब थोड़ा यहां ध्यान देने की बात है, यहां पर देखिए अगर हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, तो हमारा वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्स भी वाई आएगा वाई भी आएगा, ये नहीं हो पाएगा, सो हम इसको लेट कर लेते हैं। जब हम एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, वी मान लिया, तो अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये वन हो जाएगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स होगा इक्वल टू ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स।
अब देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालना है dy बाई डी एक्स की, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स, इसको इस साइड माइनस वन हो जाएगा। अब यही वैल्यू dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, चलिए देखते हैं, तो हो जाएगा डीवी बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू, हम x प्लस वाई के स्थान पर वी लेट किए हैं तो वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर। हम इसको इस साइड भेजते हैं, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए यहाँ पर हमारा वेरिएबल सेपरेट अभी नहीं हुआ है, हम इसको इस साइड y वाले टर्म्स को इस साइड लाते हैं, x वाले टर्म को इस साइड, तो वन अपान वी स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वी इक्वल टू, और इसको इस साइड लाते हैं dx हो जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, अब यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दीजिए, वन प्लस वी स्क्वायर प्लस वन डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। अब इसका होता है फार्मूला, इसका टेन इनवर्स v हो गया, और ये हो जाएगा इसका होगा x होगा, और प्लस कांस्टेंट c। अब tan इनवर्स v की वैल्यू पुट कर दीजिए, v की वैल्यू हमने क्या लिट की है, x प्लस y। चलिए tan इनवर्स वैल्यू क्या है, x प्लस y है, x प्लस y इक्वल टू ये एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। इस एक चीज और ध्यान, यहाँ पर टेन इनवर्स है ना, इसको इस साइड लाएंगे तो टेन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। चाहिए आंसर करिए, चाहिए कुछ भी, ये हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, एग्जाम्पल नंबर हमें दिया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो हमारा वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाएगा, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस वाई इक्वल टू वी लेट कर लिया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अब dx की वैल्यू हमें निकालना है, dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है, dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा डी वी बाई डी एक्स वन इस साइड में माइनस वन, ये वैल्यू निकली आई। अब यही dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई के स्थान पे वी लेट किया है हमने, वी प्लस कास वी, अब वन को इस साइड में लाइए, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वी प्लस कास वी प्लस वन हो गया। हम लोग फार्मूला है क्या, अब यहाँ पर इसको वेरिएबल सेपरेबल करिए, अभी हुआ नहीं है, देखिए वी वी यहाँ पर है, यहाँ पर वी, इसको इस साइड लाइए, तो वन अपान साइन वी प्लस कास वी प्लस वन हो गया इंटू डी वी इक्वल टू इसको इस साइड डी एक्स। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन वन अपान साइन वी प्लस कॉस वी प्लस वन इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला हम लोगों को पता होगा, इंटीग्रेशन ओ साइन टू थीटा का फार्मूला, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। और एक फार्मूला ये पता होगा,
कॉस टू थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर कॉस वी का फार्मूला हमें चाहिए, यहाँ पर कॉस वी का फार्मूला चाहिए। तो यहाँ से देखिए, तो इसका तीन चार फार्मूले होते हैं। तो कॉस टू थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन भी होता है। तो हमें अब इसको हाफ एंगल वाला चाहिए, टू नहीं है तो हाफ वाला चाहिए। तो यहाँ पर हाफ निकालिए, कॉस थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा अपान दो माइनस वन, ये फार्मूला होता है। और यहाँ से भी देखिए, साइन का हाफ एंगल वाला फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टू साइन थीटा अपान दो इंटू कॉस थीटा अपान दो, ये वाला फार्मूला लगेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन थीटा के स्थान पे यहाँ पर वी है, ध्यान दीजिएगा, वन अपान इस वाले फार्मूला क्या है, ये यहाँ लगाइए, टू साइन वी अपान दो इंटू कॉस वी अपान टू प्लस, अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, टू कॉस स्क्वायर वी अपान टू और माइनस वन है, माइनस वन वो रहा और यहाँ पर ऑलरेडी एक प्लस वन दिया है, प्लस वन डी वी इक्वल टू टी एस एन टी एक्स। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर टू कॉस स्क्वायर वी बाय अपान टू हम कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन वन अपान टू कॉस स्क्वायर वी अपान टू हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर वी का एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर टेन बचेगा। नहीं समझ में आता, यहाँ देख लीजिए, ये है साइन, टू साइन वी अपान टू इंटू कॉस वी अपान टू है, तो हमने कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर वी अपान टू कॉमन लिया, ये कैंसिल हो गया और एक से एक कैंसिल, एक बचा तो ये हो जाएगा टेन वी अपान टू हो जाएगा, टेन वी अपान टू बचा और यहाँ पर वन बचा, प्लस वन इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स। अब इसको हमने ऊपर ले जाएंगे तो ये वन अपान टू इंटीग्रेशन ये सेक स्क्वायर वी अपान टू हो जाएगा, अपान वन प्लस टेन वी अपान टू इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स। अब हम इसको लेट कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, वन प्लस टेन वी अपान टू को हमने टी लेट कर लेते हैं, टी लेट कर लिया, इसका डिफ्रेंसिएशन करिए, इसका क्या होता है, सेक स्क्वायर वी अपान टू हो गया। अब इसका वी अपान टू का बचा है तो यहाँ पर वन अपान टू होगा, तो इंटू वन अपान टू हो गया, डी वी इक्वल टू डी टी हो गया। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सेक स्क्वायर वी अपान टू, तो सेक स्क्वायर वी अपान टू डी वी, इसको हम टू से इस तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर यह वैल्यू पुट करिए, वन अपान टू ऑलरेडी है, अब इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वी बाई टू की वैल्यू हमें टू डी टी दी है, तो हो जाएगा वन अपान, अब इसके स्थान पे हमने क्या लिट किया है, टी माना है, टी हो गया। अब इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर वी अपान टू डी वी, इसकी वैल्यू हमें टू डी टी दी है, मिला इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स। अब देखते हैं इसके आगे, इसके आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं, ये हो गया, इसको दो से बाहर लाइए तो ये कैंसिल हो जाएगा टू टू, अगले पेज में कर देते हैं। क्या दिया है, वन अपान टू इंटीग्रेशन वन अपान टू, हमने टू बाहर ले लिया है, काम इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, और क्या दिया है, वन अपान टी इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स, ये हमको दिया है।
अब ये हमारा कैंसिल हो गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, लॉग टी होता है, टी इक्वल टू ये हो गया एक्स। अब हम कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, लॉग टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, टी हमने देख लीजिए कि ध्यान से यहां पर देखिए, टी इक्वल टू हमने क्या लेट किया था, वन प्लस टेन वी अपान टू, यही पुट कर दीजिए टी के स्थान पे, वन प्लस टेन वी अपान टू इक्वल टू एक्स प्लस सी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, लॉग वन प्लस, अब वी की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, ध्यान दीजिएगा यहां पर वी इक्वल टू हमने एक्स प्लस वाई लेट किया था। देखिए अब वी के स्थान पे टेन, वी के स्थान पे एक्स प्लस वाई अपान टू, ये हो गया इक्वल टू एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज टू के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। थैंक यू।